प्लेबैक एक तेलुगु फिल्म जो कि 5 मार्च को भाई हो चुकी थी रिलीज, लेकिन आपको तो पता है तेलुगु भाषा में तो हम कैसे देख पाते, लेकिन हाल फिलहाल में आहा ओटी प्लेटफॉर्म पर हुई इंग्लिश सबटाइटल के साथ तो हम देख चुके हैं और आज ही ने आपको इस फिल्म का रिव्यू लेके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये प्लेबैक है ना एक क्रॉस टाइम कनेक्शन मूवी, और क्रॉस टाइम कनेक्शन क्या होता है, यानी कि एक व्यक्ति पास्ट से बोल रहा है, एक फ्यूचर से बोल रहा है और दोनों की कॉल पर बात हो रही है, तो यानी कि आप समझ जाओ इस फिल्म का जो प्लॉट है वो नया नहीं है। जी हाँ, इससे पहले फिल्म आ चुकी है, एक साउथ कोरियन फिल्म आई थी द कॉल, और उससे पहले एक ब्रिटिश मूवी आ चुकी है जो 2011 के आसपास आई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी, बहुत ही अच्छी थी, एक हटके थी, एक मतलब कि आपको बताऊँ ना साइंटिफिक तो नहीं कहेंगे, यानी कि एक विजार्डियस के टाइप से, एक इमेजरी लाइफ के टाइप से वो फिल्म थी। लेकिन इसकी बात कर रहे हैं तो इसी पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, एक फिल्म और है जो नेटफ्लिक्स पे आपको मिलने वाली है, जो कोई कोरियन है, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, उसका नाम है द कॉल। सेम इसका प्लॉट है, सेम उसी का, यानी कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कैरेक्टर को थोड़ा सा इम्प्रूव करा गया उसके अंदर। इसके अंदर मुझे लगा देखने के बाद, जी हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। और वहीं बात करने वाले हम स्टोरी की, ज़्यादा स्पॉइलर नहीं फैलाएंगे। तो स्टोरी देखो क्या है, सिंपल सी, क्रॉस टाइम कनेक्शन आप समझ चुके हो, तो यानी कि एक मर्डर को सॉल्व करने में ये क्रॉस टाइम कनेक्शन आपका काम करता है। जी हाँ, इस फिल्म के अंदर यही दिखाया, उसे सॉल्व करने में ही काम करता है ये, यानी एक कॉल से दूसरे कॉल पर बात होती है, यानी एक पास्ट से बात कर रहा है, एक फ्यूचर से। जी हाँ, यानी कि फिल्म के अंदर जो है स्टारिंग वो अनन्या नांगला है और दिनेश तेज हैं, तो दिनेश तेज तो फ्यूचर से बात करते हैं, वो पास्ट से बात करती हैं। जी हाँ, ये फिल्म के अंदर पूरा ट्यूटोरियल दिखाया गया है, और आपको बताऊँ इस फिल्म को देखने के बाद मतलब कि लगा कि इस फिल्म ने इम्प्रेस किया है, इफेक्टिव फिल्म थी। जी हाँ, वहीं फिल्म के बजट की बात करें जो था काफ़ी कम, जिस वजह से फिल्म के अंदर काफ़ी लो क्वालिटी दिखाई गई टेक्निकल पार्टों के अंदर भी, और पूरी की पूरी फिल्म ही हमको लगी, जी हाँ, फिल्म नहीं एक टीवी सीरियल देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताऊँ, एक्टिंग पे तो ज़बरदस्त काम किया गया, वहीं राइटिंग की बात करें बहुत बारीकी से, बहुत बड़े तरीके से पेशेंस रख के इसकी राइटिंग की गई है। जी हाँ दोस्तों, वहीं इसका स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा था, लेकिन लो बजट होने के कारण आपको बहुत ही बेकार क्यों लगने वाला है कि, क्योंकि आप फिल्म देखते देखते ही कभी कहने लगोगे यार ये फिल्म तो नहीं, हम तो टीवी सीरियल देख रहे हैं, जो कि सच ही बात है। मुझे पूरी फिल्म को देखने के बाद ऐसा ही लगा कि मैंने फिल्म तो नहीं देखी, मैंने एक सीरियल ही देखा है पूरा, यानी कि आपको बताऊँ वेब सीरीज़ भी काफ़ी अच्छे बजट की बन रही है, लेकिन इसे देखने के बाद लग रहा है कि हाँ आखिरकार ऐसी फिल्मों को ज़रूरत है, प्रोडक्शन की, अच्छे प्रोडक्शन की ज़रूरत है ऐसी फिल्मों को, क्योंकि आपको नहीं पता ऐसी फिल्में कभी कभार बनती हैं, और इंडिया में तो ये पहली बार है क्रॉस टाइम कनेक्शन बन रही है, लेकिन फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और आपको बांधे रखती है पूरी फिल्म, और आपको पेरेंटल गाइडलाइन दूँ, जी हाँ, आप अपने परिवार के साथ देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया थी, और एक तरीके से कहूँ मैं वन टाइम वॉच मूवी है, इस पर और भी ज़्यादा काम हो सकता था, लेकिन आपको बताऊँ फिल्म का बजट इतना लो था ना कि जिसकी वजह से आपको बताऊँ टेक्निकल टीम यानी VFX वगैरह को कुछ आपको नज़र ही नहीं आएगा ढंग से। जी हाँ दोस्तों, फिल्म पूरी की पूरी यहीं पर आपको निराश करती नज़र आएगी, बाकी फिल्म की स्टोरी, कास्ट, हर चीज़ आपको इम्प्रेस कर देगी, और एक डिसेंट सी फिल्म आपके लिए तैयार हो चुकी है, तो आपको ये ज़रूर ही देखनी चाहिए। हाँ दोस्तों, और मैं मिलता हूँ आपको यहीं, तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कीजिएगा लाइक, जब तक के लिए बाय बाय।